हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद दीप में फिर से स्वागत है। कीप इन्वेस्टिंग कीप ग्रोइंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में भी यहां पे पता लगता रहेगा। यहां पे अभी तक की वीडियोस की बात करते हैं तो टोटल दो वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज़, जिसमें लगभग 8 शेयर्स के बारे में स्टडी की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये रहने वाला है। और इनमें एक शेयर ऐसा भी बताया गया है जो देखिए 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ से आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो, या चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल पर भी जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्हें मल्टी बैगर हम बिल्कुल बोल सकते हैं। पिछले कुछ टाइम की बात करते हैं तो देखिए ये लगा कि चलो आप, बहुत से शेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने 70% से 100% के आसपास रिटर्न दिए हैं, और बहुत से शेयर इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न उठा के देखते हैं तो करीबन करीबन 2000% के भी जो है रिटर्न यहाँ पर निकल के आते हैं। तो इन शेयर्स के अंदर देखिए लगातार काफ़ी टाइम से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनमें अपर सर्किट के साथ और एक हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है ट्रेडिंग कंटिन्यू चल रही है। काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हैवी वॉल्यूम के साथ, और इसमें जिन्होंने पैसा लगाया देखिए पैसा उनका बहुत ही जल्दी डबल हुआ। और जिन्होंने अगर मान के चलो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से लगाया तो 30 से 50% जो है लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाया है। तो इसमें जो सबसे पहला शेयर आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पे अदानी पावर। तो देखिए आज के दिन की अगर बात करते हैं तो जैसे मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में वर्क कर रही थी, तो वहाँ पे भी इस शेयर के अंदर एक अपर सर्किट आपको देखने को मिला है, और इवन तो जितने भी पावर शेयर थे सबके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। 21 पॉइंट जो है शेयर यहाँ से चला था 10% के अपर सर्किट के साथ। मॉर्निंग में अगर बात करते हैं तो देखिए मॉर्निंग में किसी तरह का कोई यहाँ पे सर्किट नहीं लगा था, और उसके बाद देखिए जितने भी पावर स्टॉक्स थे सबके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। पिछले 5 डे की रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 5 डे में लगभग 167 रुपये से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 167 रुपये से जो है शेयर 233 रुपये चढ़ चुका है, यानी कि 40% पिछले 5 दिनों में ये शेयर रिटर्न दे चुका है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पिछले 1 मंथ की, तो 1 मंथ में बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देखिए, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था 100-150 रुपये के लेवल्स के आसपास, और पिछले 1 मंथ के अंदर अंदर ये शेयर यहाँ से डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, यानी कि देखिए 100% का शार्प रिकवरी इस शेयर के अंदर देखने को मिली। और जिन लोगों ने यहाँ देखिए पैसा लगाया उस टाइम पे या होल्ड करके रखा, तो देखिए उन्हें आज बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी यहाँ पे कमाने को देखने को मिला है। पिछले 1 ईयर का रिटर्न उठा लेते हैं तो देखिए एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर काफ़ी टाइम तक इसने वर्क किया है 100 रुपये के अंदर अंदर, और अगर हम यहाँ पर उठा लेते हैं इसका पिछला 5 ईयर का अगर चार्ट निकालते हैं तो देखिए ज़्यादा टाइम ज़्यादा पीछे हम जाते नहीं हैं, 22 मई 29 मई के आसपास की बात करते हैं तो 30 रुपये के आसपास, 30-32-33 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था। वहाँ से लेके और आज तक की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ पे रिटर्न निकल के आया दोस्तों वो आता है आपका करीबन 620%, यानी कि 15 मई से 5 अप्रैल के बीच में 1.5-2 साल के अंदर अंदर इस शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। और देखिए अदानी ग्रुप की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए पिछले कुछ फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिली थी रिवेन्यूज़ के अंदर, लेकिन जो नेट प्रॉफिट थे वहाँ पे कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो सेक्टर है पूरा बजिंग सेक्टर है। और इसमें दूसरा जो शेयर आता है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, तो देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। अगर आज के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 5% पे यहाँ पे आपको सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है, और पिछले 5 डे की बात करते हैं तो 5 डे के अंदर अंदर 20% का जंप इसके अंदर देखने को मिला है। 1 मंथ की बात कर लेते हैं तो देखिए 1 मंथ में 52%, यानी कि देखिए मैंने बोला ना आपको बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न इन शेयर्स ने दिए। और पिछले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 6 मंथ की, तो 6 मंथ में 300% के बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इन शेयर्स ने दे दिए हैं। और देखिए ये शेयर हमारे रडार पे था 60 रुपीज़ के आसपास, 60 रुपीज़ से हमने जो है इस शेयर के ऊपर एक एनालिसिस भी किया था, और उस टाइम पे देखिए ये फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है,
वहाँ पे हमने इसको बाय करने के लिए दिया था, काफ़ी लोगों ने बाय भी किया, और जिन लोगों ने देखिए बाय किया वहाँ से लेके आज तक इसमें करीबन करीबन 40-50% की एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है विद इन अ मंथ। तो देखिए इस शेयर को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। दोस्तों जो दूसरा शेयर निकल के आता है वो भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड है, अदानी विलमार लिमिटेड, जो कि रिसेंटली लिस्टिंग आईपीओ कंपनी है। और देखिए इसके प्रोडक्ट का जो डिमांड है, यानी कि फॉर्च्यून, जो मेनली फॉर्च्यून ऑयल है, अभी देखिए बात करते हैं पूरा का पूरा जो एफएमसीजी स्पेस है उसके अंदर जो है ये कंपनी एंटर कर रही है और धीरे धीरे अपनी जो पैठ है वो बनाने लग रही है। आज इसके अंदर भी सर्किट यहाँ पर आपको देखने को मिला 5% का 27 पॉइंट के साथ। पिछले 5 दिनों की बात करते हैं तो 5 दिनों के अंदर 17% के रिटर्न दे चुका है, और यहाँ पे बात करते हैं हम 1 मंथ की तो 1 मंथ के अंदर अंदर 70% के आसपास रिटर्न ये दे चुका है, यानी कि जिस दिन से लिस्ट हुआ है वहाँ से आज तक 70% का बहुत ज़बरदस्त उछाल इसके अंदर देखने को मिला है। और देखिए लगभग लगभग 500 रुपये के आसपास ये हमने ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्ती तरीके से जो है रिकमेंड किया था, जिन लोगों ने वहाँ पर बाय किया एक अच्छा खासा उन्हें जो है एक अमाउंट यहाँ पे कमाने को मिला है। और देखिए ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आपको यहाँ से रिटर्न कमा के देगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आती है वो कि यहाँ पे आपका जो पैसा है बिल्कुल सेफ रहने वाला है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका पैसा यहाँ से डूब जाएगा। क्योंकि देखिए अगर बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिया में कंजप्शन की, तो इंडिया में जो ऑयल है, फूड ऑयल है, एडिबल ऑयल है, इनकी जो कंजप्शन है कंटिन्यू ग्रो करती जा रही है, कंटिन्यू जो मांग है, डिमांड है, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है पूरा का पूरा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसका स्टेक की बात करते हैं इंडिया के अंदर तो 17% के आसपास पूरा फॉर्च्यून का स्टेक है, यानी कि अदानी विलमार का स्टेक है इंडिया के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो चौथा शेयर निकल के आता है वो आता है एलिगेंट फ्लोरी एंड एग्रोटेक लिमिटेड। तो देखिए इसके बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है। पिछले अगर हम कुछ बात आज के रिटर्न की बात कर लेते हैं, पहले तो आज 5% का अपर सर्किट आपको लगते हुए दिखाई दिया है। पिछले 5 दिनों की बात करते हैं तो 5 दिनों के अंदर भी यहाँ पे आपको 21% का रिटर्न यहाँ पे मिला है पिछले 5 दिनों में। 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ में दोस्तों बहुत भयंकर रिटर्न, 161% का रिटर्न। 6 मंथ में बात करते हैं तो 6 मंथ में 1700%, यानी कि यार आपका जो शेयर प्राइस है, मैं बात करता हूँ यहाँ से 2 रुपये का जो शेयर है आपका फ़िलहाल 50 रुपीज़ का जो है शेयर हो चुका है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले। ईयर टिल डेट की बात करते हैं तो 831%, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 ईयर की तो 1 ईयर में 2800%, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न 2800% जो है 1 साल के अंदर ये शेयर दे चुका है अभी तक। लेकिन देखिए फाइनेंशियली ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। इसमें जो मैं राय दूंगा आपको ये शेयर अवॉइड करना चाहिए। देखिए इसके रिजल्ट की बात करते हैं, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस किया था इस शेयर के बारे में, और देखिए इसमें हमने जब एनालिसिस किया था तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे इस शेयर को अवॉइड करने की राय भी दी थी। क्लियर फाइनेंशियल पे आ जाते हैं तो देखिए फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर ये लगता नहीं है। बस दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में जो इसका रिजल्ट आया था वहाँ थोड़ी सी स्पाइक हमने देखने को मिली थी। रेवेन्यू 63% से बढ़ा, नेट इनकम में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, डायल्यूटेड ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। ये मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखिए जो है यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू आपको घटता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 64% से घटे सितंबर में। जून की बात कर लेते हैं तो जून में भी नेट प्रॉफिट मार्जिन 89% से घटे। और मार्च की बात करते हैं तो मार्च में देखिए किसी तरह का कोई यहाँ पर हमें दिखता नहीं है रिलीफ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ईयरली एक बार दिखा देता हूँ इसके जो रिटर्न है ईयरली, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मार्च 2021 और मार्च 2020। तो पहले दोनों का देखते हैं फिर देखते हैं टीटीएम बेसिस पे। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं तो मार्च 2020 की बात करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन में वहाँ पर जो घटत देखने को मिली है वो देखने को मिली है -0.13 लाख रुपीज़ के आसपास। ओके उसके बाद यहाँ पे मार्च 2021 की बात करते हैं तो वो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि -0.45 लाख रुपीज़ के आसपास, यानी कि देखिए कोई प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को नहीं निकला है। टीटीएम बेसिस पे अभी तक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी -7 लाख रुपए के आसपास कंपनी खड़ी है। तो देखिए यहाँ पे आपको ना अपनी पोजिशन सेव करनी है।
यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो देखिए किसी तरह की कोई सेल्स नहीं है, कंटिन्यू घटती हुई यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे TTM बेसिस पे 13% से बढ़ी है, और बाकी देखिए रिटर्न यानी कि CAGR देखिए 2600%। तो देखिए कोई तुक नहीं बनता इस तरह के शेयर्स के, शेयर्स को बाय करने के लिए। कैश फ्लो की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कंपनी के पास किसी भी तरह का करंटली कैश फ्लो नहीं है, कोई भी कैश फ्लो नहीं दिखाई देता है कंपनी का। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए पूरा का पूरा रिस्क पब्लिक के ऊपर डाला हुआ है, पब्लिक की जो होल्डिंग है 92% के आसपास है। तो देखिए इस तरह की कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पे पब्लिक ही फंस रखी हो। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 8% है, DIIs की होल्डिंग 0.019% के आसपास है, यानी कि ना के बराबर है। तो देखिए इस शेयर को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इस शेयर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। आपने ऑलरेडी ये शेयर लिया हुआ है तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट और पांचवा जो शेयर निकल के आता है वो आता है आपका TTI एंटरप्राइजेस। देखिए ये काफ़ी टाइम से 10 रुपये का एक बेस बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अपर सर्किट आपको देखने को मिला है। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग अभी भी अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि अगर आप फ्रेश बाय करते तो आप रिस्की प्लेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ में काफ़ी गिर चुका है, 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में ये दोस्तों 68 रुपीज़ से लगभग 10 रुपये का जो ये शेयर है हो चुका है। इस टाइम ड्यूरेशन में अगर मैं गिरावट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 80% के आसपास जो है एक यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों आज की जो स्टडी थी वो यही थी, यही 5 मल्टी बैगर शेयर थे जिनके अंदर आप इन्वेस्ट भी करके चल सकते हैं। और देखिए अभी ये अपने जो है एक हाई पे पहुँचे हुए हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अगर आप बाइंग करते हैं या आपने ये शेयर ऑलरेडी लिए हुए तो और आपको करना क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम जो आपको राय देंगे वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट राय देंगे। और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।